स्टार्ट योर डे विद अजोरा चारकोल फेस वॉश फॉर डीप प्योर क्लींजिंग रिमूविंग डस्ट एंड कंट्रोल ऑयल लेट योर लुक्स वाइब्रेंट। बुढ़वा मंगल पर की गई हनुमान जी महाराज की 101 दीपक से महाआरती। इस दिन हनुमान जी का विशेष चोला श्रृंगार किया गया। आरती के पश्चात प्रभु को खीर मालपुआ का भोग लगाया गया। मंदिर परिसर में भक्तों द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। संकट मोचन हनुमान बालाजी मंदिर गोलपाड़ा पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंदिर के चरण सेवक जगबीर दास तोमर ने बताया कि प्रातः 5:30 बजे मूर्ति स्वरूप हनुमान जी महाराज का अभिषेक चोला श्रृंगार किया गया। प्रातः 9 बजे से सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ हुआ। सुबह से ही दर्शनार्थियों का मंदिर में तांता लगा रहा। शाम को 5 बजे से पंडित पीयूष शास्त्री द्वारा नियमित हवन यज्ञ सम्पन्न कराया गया। 7 बजे एक साथ 101 दीपक एक साथ हाथ में लेकर प्रभु हनुमान जी महाराज की महाआरती की गई। इस आरती का दृश्य अलौकिक था, ऐसा मंदिर में उपस्थित जनसमूह का कहना और मानना था। रात 8 बजे से सामूहिक असंख्य हनुमान चालीसा के पाठ किए गए और प्रभु हनुमान जी महाराज को उनका रुचिकर भोजन मालपुआ खीर का भोग लगाया गया और भंडारा प्रसादी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। Yeah.
कलयुग के प्रधान अजर अमर का वरदान पाए हुए प्रभु हनुमान जी महाराज का आज बड़ा मंगल है। ऐसा बताते हैं कि भीम की परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी महाराज वृद्ध रूप रख के बैठ गए, लेट गए और उन्होंने भीम की परीक्षा ली, तो इस रूप को बुढ़वा मंगल के रूप में, बड़ा मंगल के रूप में मनाते हैं। तो आज यहाँ सबसे पहले 5:30 बजे अभिषेक किया गया पंचामृत से हनुमान जी महाराज की मूर्ति स्वरूप का। 9 बजे सुंदरकांड का पाठ हुआ। शाम को 7 बजे महाआरती, 101 दीपक एक साथ लेकर हनुमान जी महाराज की आरती, यानी कि आरती जो हम उतारते हैं उसका तात्पर्य है कि हम सामने वाले को इतना प्रसन्न करना चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में अलौकिकता लाएं, अनोखा बनाएं, और वह आरती अलौकिक रूप से सभी दर्शनार्थियों ने, भक्तगणों ने सामूहिक रूप से सबके साथ दृश्य की, देखी और की। उसके पश्चात यह नियमित रूप से जो हर मंगलवार को असंख्य हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे हैं, लगभग 200 भक्तगण यहाँ बैठकर सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं। धरती माता विष्णु भगवान पर जब रावण से त्रस्त थी तो सभी देवताओं को साथ लेके गई थी, तो इसलिए सामूहिक कोई भी कार्य करने से ईश्वर प्रसन्न होता है। और कलयुग में हमारे नेता लोग और अधिकारी भी सामूहिक देखते हैं और जितनी बड़ी भीड़ देखते हैं उतनी जल्दी काम करते हैं। इसी तरह समझो हमारे देवी देवता हैं, हमारे क्या नाम है, हनुमान जी महाराज हैं। सामूहिक रूप से जब उनके पास आवाज़ पहुंचती है लोगों की समस्याओं का निदान होता है, लोग खुशहाल होते हैं। मेरा तात्पर्य, मेरा उद्देश्य ईश्वर से जुड़ना है, व्यक्ति से जुड़ना नहीं। व्यक्ति विशेष नहीं है, ईश्वर विशेष था, ईश्वर विशेष है, ईश्वर विशेष रहेगा। उत्पत्ति करता, पालन करता, संहार करता ईश्वर है, जिसे किसी ने नहीं देखा है। इसलिए मंदिरों में हम आस्था, विश्वास और श्रद्धा से ढोक लगाते हैं। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।